वेलकम टू कुकिंग क्यूरियोसिटी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मिक्स वेज की रेसिपी। मिक्स वेज को जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्जी बनाने के लिए ये है सामग्री। मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी राजमा और एक कटोरी छोले। इन दोनों चीज़ों को हम रात में भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम पानी में डाल देंगे। अब इसे प्लेट से ढक देंगे। ये छोले और राजमा अच्छे से फूल गए हैं और इनका कलर भी पहले से चेंज हो गया है। इन्हें मैंने धो के साफ कर लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। ये लिए मैंने मूली की फली और ये लिए बैंगन जिन्हें मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और ये लिए सेम, मटर और शिमला मिर्च, और ये लिए मैंने लौकी, पत्ता गोभी, आलू, गाजर और फूल गोभी, और ये लिए मैंने छोले और राजमा जिन्हें मैंने रात को ही भिगो दिया था। आप इसमें अपने पसंद की और भी कई सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं। ये लिए मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच जीरा, दो तेज़पत्ता, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधी छोटी चम्मच हींग। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे जीरा। अब डालेंगे इसमें तेज़पत्ता और अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब हम हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें थोड़ी देर फ्राई करेंगे। आप मेरे चैनल पे मिक्स वेज की एक और रेसिपी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये हरी मिर्च फ्राई हो गई है, अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। इस सब्जी में हम लहसुन और प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि हलवाई भी बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं। अदरक का भी कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये लिए मैंने दो चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को डाल देंगे और इन्हें धीमी आंच पर भुनेंगे। जब आप मसाले डालें तब गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मसाले को हम धीरे धीरे भुनेंगे। अब इसमें हमने जो छोले और राजमा भिगोए थे उन्हें डाल देंगे। क्योंकि इन दोनों चीज़ों को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हमने पहले डालेंगे। आप मेरे चैनल पर खाने की चीज़ों के फायदे भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको खाने की किस चीज़ के फायदे जाननी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मसाला भुन गया है, अब इसमें हम सभी सब्जियों को डाल देंगे। ये मैंने इसमें गाजर डाल दिए। अब इसमें डालेंगे गोभी और अब डालेंगे पत्ता गोभी। इसमें हम सभी सब्जियों को डाल देंगे। अगर आपको इन सभी सब्जियों में से कोई सब्जी पसंद नहीं है तो उसे आप हटा सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। ये मैंने सभी सब्जियां डाल दी हैं, अब इन्हें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी सब्जियां मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इसे हम प्लेट से ढक देंगे और सभी सब्जियों को धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हम प्लेट हटाकर चेक करते हैं। ये सभी सब्जियां पहले से सॉफ्ट हो गई हैं, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इन्हें भी सॉफ्ट होने देंगे। ये सब्जी बन चुकी है और इसमें जो पानी था वो भी सूख गया है। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और लौंग।
ये मैंने 10-12 काली मिर्च ली थी और 5 से 6 लौंग ली थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया था और इसे मैंने सब्जी में डाल दिया है। इन्हें सब्जी बनने के बाद डालना है जिससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसे मिक्स करेंगे। ये सब्जी बन चुकी है। इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आप इसी तरीके से बनाकर देखेंगे तो सब्जी में बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब इसके साथ मैंने बनाई है पूड़ी। आप चाहे तो परांठे या फिर रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन पूड़ी बनाएंगे इस सब्जी के साथ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ नई वीडियो देखने के लिए।